बाबर आजम को पीसीबी ने अब दोबारा से टी20 और वनडे के लिए कैप्टन चूज़ कर लिया है। एक तो आप बताएं आपको ये कैसा लगा है फैसला, दूसरा ये कि बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि टीम में ग्रुपिंग हो जाएगी इससे। देखिए मुश्किल सवाल है, जिस तरह से बाबर आजम को हटाया था, मैं वर्ल्ड कप में था, वो इंट्रीग करके हटाया गया था, वो गलत था, इसलिए कि जिसने इतना सर्व किया आपको, अपना बिल्कुल मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उसको इस तरह से थ्रू पॉलिटिक्स डिसमेंटल नहीं करना चाहिए। और राइट इन द मतलब यू थिंक अब शाहीन को भी काफी टाइम मिला है, शाहीन को आपने क्योंकि एक सीरीज की बेसिस पे आप अगर जज कर, मैं मानता हूं आई थिंक ज्यादती होती है, इसलिए कि आपके फिर लॉन्ग टर्म प्लान ठीक नहीं था ना। अगर आपने, और ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है कप्तानी का, बहुत बड़ा डिसीजन होता है कोच अगर आप रिप्लेस कर रहे होते हैं, बिकॉज ये आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, ये जो प्लेयर्स इस तरह की जो पोजिशन होती हैं। सो मैं समझता हूँ कि बहुत बात करनी पड़ेगी शाहीन शाह अफरीदी से, क्योंकि जब मुझे कप्तानी से हटाया गया था और इंट्रीग करके हटाया था, मेरा दिल नहीं एक तो चाहता था क्रिकेट खेलने के लिए, और दूसरा मैं सख्त सेल्फिश हो गया था, क्योंकि फिर मैं अपने आप को लुक आफ्टर करता था और मैं कहता था टीम भाड़ में जाए, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है तो मैं अपने लिए खेलूंगा। फिर मेरे साथ बैठ के बात की गई, अपोलोजाइज भी किया गया, फिर कहा भी, बताया भी गया कि यू नो ये सिचुएशन, एक्सप्लेनेशन बड़ी ज़रूरी है इस वक्त बाबर आजम को और क्रिकेट बोर्ड को शाहीन शाह अफरीदी के साथ करने की, बिकॉज और उनको प्रॉपर्ली वो हर्ट होंगे, वो इस वक्त एनॉयड होंगे, उनको विन ओवर करना है क्योंकि वो आपके मैच विनर हैं, और मैच विनर को आप एक बहुत ही अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में वर्ल्ड कप में उतारेंगे, ना कि वो ये समझे कि मेरे साथ ज्यादती की गई है। अगर मुझे बताया जाना चाहिए था कि अगर मैं एक सीरीज के लिए आया था तो मैं उसी तरह से प्रिपेयर करता, मुझे लॉन्ग टर्म के ख्वाब क्यों दिखाए गए। सो ये फिर आपकी तोड़फोड़ जरूर होती है, और इसमें फिर मैसिवली ब्रिलियंट मैनेजमेंट की जरूरत होगी। और आप बाबर आजम को बतौर कैप्टन कैसे देखते हैं? देखिए इनमें इम्प्रूवमेंट आई है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ कि इनको आइडिया है कि कप्तानी कैसे करनी है, ये एका रखते हैं टीम में, जब आप हारते भी हैं तो तोड़फोड़ नहीं होती है। सो उस लिहाज से इनमें कई क्वालिटीज हैं, और फिर मुझे ये लगता है कि इनकी अपनी बैटिंग जो है वो अरूज पे जाती है जनरली जब ये कप्तान होते हैं। सो एक मौका और इन्हें मिला है और आउट ऑफ द ब्लू मिला है। सो मैं समझता हूँ कि हम जो बाबर आजम को इस फेज में देखना चाहते हैं वो थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव देखना चाहते हैं, ज़्यादा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट देखना चाहते हैं। पीसीबी व्हाइट बॉल और रेड बॉल के लिए गैर मुल्की कोचेस को क्यों प्रेफर करता है? आई मीन व्हाई कांट यू हैव फ्रॉम पाकिस्तान? हाँ मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, पाकिस्तानी कोचेस होने चाहिए, इसलिए कि जो दिल जान डालते हैं ये, वो कोई और नहीं डाल सकता। और फिर ये कि अब ये एक प्रोफेशनल, जब आप भी अपने टाइम पे थे तो आपने भी वकार यूनुस पे तरजीह दी थी एक, नहीं मैंने सकलैन मुश्ताक को लेके आया था, वकार यूनुस तो सकलैन के साथ मैंने जो एक्सपर्ट्स लगाए थे मेंटोर या बॉलिंग और बैटिंग, हाँ वो तो वो आप कर सकते हैं। देखें ना आप कंट्रोल जो है वो आपका जो है वो बंदा कर रहा है जिसकी लैंग्वेज ड्रेसिंग रूम में समझ सकते हैं, जो जिसके ज़्यादा स्टेक्स हैं, जो कि पाकिस्तानी है, जिसको पता है कि किस तरह से हमारा माहौल है, किस तरह से डीएनए हमारा है, किस तरह से इस टीम को आगे लेके चलना है। सो मैं समझता हूँ कि टॉप के ऊपर पाकिस्तानी कोच होना चाहिए, और उसकी हेल्पिंग हैंड के लिए आप फॉरेनर्स लगा सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं, ये बताइए म्यूजिक का शौक है आपको? म्यूजिक का सख्त शौक है।